हेलो गाइस, 1 मिलियन आतर हाउस। 1 मिलियन के आतर हाउस की खासियत होती है कि ओरिजिनल से भी ओरिजिनल आतर बेचते हैं। और आजकल मार्केट में ये हो रहा है कि डुप्लीकेट आ रहे हैं इधर, और केमिकल फिल्म केमिकल मिले हुए आ रहे हैं, अल्कोहल मिले हुए आ रहे हैं, जिससे एक्टिवपन दूर हो जाता है इसका। हमने इधर की खासियत देखी कि इनमें जो लगाते हैं इधर, इनमें एक्टिवपन आता है लोगों में। जैसे कि हम खुशबू ला लेंगे तो नेगेटिव पावर हमसे दूर हो जाएगी, एक्टिवपन आ जाएगा। इसलिए हमने प्योर से प्योर अतर बनाना स्टार्ट करे और इतरों के इतिहास में इतना डूबे कि इतरों की ऐसी ऐसी खासियत देखी है कि हमने, जैसे कि ये ऊद है, ऊद की खासियत होती है कि इसमें खुशबू के साथ लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। और ऊद में जो होता है ये खासियत होती है, बहुत प्यारी खुशबू होती है। जितना ऊद मीठा होता है प्यारा, उतनी इसकी कीमत बढ़ती चलेगी। जैसे कि ये ऊद है, ये अल ऊद से नाम से हमने करा है, और ऊद को हमने बनाया है लैब टेस्टेड अतर होते हैं सारे हमारे जितने भी होते हैं प्योर अतर। प्योर अतरों की एक खासियत होती है, आपको मैं बता दूं, ये ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं टिक पाते, लेकिन इनमें जो एक्टिवपन होता है ना, नेगेटिवपन को दूर करने वाला वो चीज होती है। अल्कोहल फ्री होते हैं सारे ये, और केमिकल फ्री होते हैं ये, प्योर अतर होते हैं, जिसके लिए नमाज भी पढ़ सकते हैं हम लगा के। और जो होते हैं ना, जो जैसे कि जिसमें एक्टिवपन आ जाता है, नेगेटिव दूर हो जाती है। जैसे कि हम जैसे कि लगा के बैठे हैं आज खुशबू लगा के बैठे, जैसे बराबर वाले से बराबर वाले को सुनवाई देती है, जैसे कि ऐसी चीज़ होती है। और एक्टिवपन का ये मतलब है कि मैं कहना चाह रहा हूँ, एक्टिवपन ये चीज़ होती है कि जैसे कि हमने खुशबू लगाई, जैसे कि हमारे नेगेटिव बहुत आ रहे हैं, हम सोचते बोते हैं वो करते हैं कि हमारा जो काम नहीं चल रहा, कारोबार नहीं चल रहा, ये नेगेटिव आ गया, हमारे दिल में हो गया नेगेटिव आ रहा है। लेकिन जो हम इधर लगाते हैं, इधर की खासियत होती है कि ये अच्छी चीज़ों को हमारी तरफ अट्रैक्टिव करता है इधर। जैसे कि ये हमारा ऊद है, ऊद जैसे कि हमने ब्लैक ऊद बनाया, इसकी दो क्वालिटी आती है। ब्लैक ऊद आता है जो बहुत गाढ़ा, इसका नाम ब्लैक ऊद नहीं है, असल में इसका नाम है अल हयात ऊद। इसका इसलिए नाम रखते हैं क्योंकि ब्लैक होता है पूरा, ये थोड़ा सा लाइट टाइप का ब्रेड ब्लैक होगा, ब्राउन टाइप का होगा। जैसे कि हमने बनाया है, अब जो बना है ये इधर, ये स्ट्रॉन्ग इतना होता है ये इधर, आपके जो बराबर वाला हो ना उसको भी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये जो असली इतरों की खासियत होती है कि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, और ये खुशबूदार इतने रहते हैं, आप पूछिए मत इनकी खुशबू। जैसे कि ये इतर बन चुका है हमारा, ये हमारा एक दिन में इतना ही इतर निकलता है कि ओरिजिनल के इतर भी हमने बात करी थी आपसे, ओरिजिनल का ये मकसद है हमारा। ओरिजिनल जो होता है ना, थोड़ी हमारे कम क्वांटिटी में बेचते हैं हम इतर। कम क्वांटिटी का मतलब ये है हम इतना नहीं निकाल पाते जितना जो लोग मान सके क्वांटिटी में। जैसे 10 पीस की क्वांटिटी रोज होनी चाहिए, लेकिन हमारी होती है 2 क्वांटिटी, ऑर्डर की 2 क्वांटिटी, क्योंकि निकलता ही इतना सही है ओरिजिनल इतर 150 ग्राम लकड़ी में से। जो ऊद की लकड़ी जो होती है बड़ी फेमस होती है, इसका इतिहास रहा है ऊद का बहुत ज़्यादा। अभी जो ब्लैक ऊद है, इसकी सोने से भी ज़्यादा कीमत है, सोने से भी गोल्ड से भी ज़्यादा कीमत होती है। लेकिन ये जो हमने ऊद निकाला है, दूसरा ऊद जो है, इसकी अवेलेबल मिल जाए आपको अमेजोन पे, ये ऊद अमेजोन पे, मीशो पे 1 मिलियन अतर लिखेंगे, आप हमसे कोरियर भी करवा सकते हैं 1 मिलियन अतर से, आप हमें कोरियर करवा सकते हैं। और ये ऊद की बड़ी खासियत है, इसकी एक हिस्ट्री रही है मुगल टाइम पे भी, और उससे भी पहले भी इसकी ऊद की खासियत रही कि चाइना से जब अगरबत्ती बन के आती थी, ऊद की अगरबत्ती ये बन के आती थी ऊद की, तो मुगलों ने कहा फिर ये अगरबत्ती में इतनी खुशबू कैसे आ रही है, तो उन्होंने बताया ऊद से आ रही है। ऊद जो होते हैं आसाम में पेड़ होते हैं, और हर पेड़ में ऊद तो उगता नहीं, इनमें पेड़ों में इन्फेक्शन लगता है ऊद के पेड़ों में, तो उसमें से जो लकड़ी निकलती है उसमें खुशबू सी आती है इन्फेक्शन, जैसे घमोरी से हमारे घमोरी हो जाती है ना, ऐसे पेड़ों को हो जाता है इन्फेक्शन। और उसको काट के जो लकड़ी को बनाते हैं उनमें से ये स्मेल निकलती है, उनकी अगरबत्ती बनाते थे चाइना के लोग अपने भूतों को चढ़ाने के लिए, जैसे पत्थरों को जो पूछते हैं भूतों को उनको चढ़ाते थे ये अतर, तो वो अतर नहीं अगरबत्ती। तो फिर इन्होंने मुगलों के टाइम में आया ये अगरबत्ती आई, तो उन्होंने नेगेटिव पावर दूर करने के लिए उनको बताया था कि उनकी लकड़ियाँ जलाया करो ऊद की, जैसे कि रूम फ्रेशनर होते हैं आजकल टाइम में, रूम फ्रेशनर होते हैं ऐसे ही उनके टाइम पे लकड़ियाँ जलती थी, ऊद की लकड़ी हो गई, संदल की लकड़ी हो गई, कि रूम में खुशबू रहे। अब फिर उन्होंने इतर भी आज़ाद करा, फिर इनके इसमें केमिकल डाल के कुछ करके फिर इतर भी, लेकिन हमने जो नेचुरल तरीके से मटकियों में अतर बनाते हैं, असली नेचुरल तरीके से आसाम से जो आता है लकड़ी जो आती है इसकी, उसकी नेचुरल तरीके से अतर निकालने का तरीका निकालते हैं हम अतर, और लैब टेस्टेड हमारे अतर होते हैं। जैसे कि ब्लैक ऊद है, ब्लैक ऊद की यही बोतल बहुत महंगी हो जाएगी आपके लिए, ब्लैक ऊद बहुत महंगा होता है, हाई क्वालिटी में होता है। हमने जो नेचुरल अतर ब्लैक ऊद उसमें भी नहीं डाला ये मीशो पे भी, इसकी एक एक बूंद की कीमत होती है और लॉन्ग लास्टिंग बहुत होता है ये, देख रहे हैं आप इसका गाढ़ापन, ये बहुत ही गाढ़ा होता है,
और ये लैब टेस्टेड होता है, असल में बात यह है लैब टेस्टेड होता है। और जो हमने मीशो में जो ब्लैक वुड डाला है वो ब्लैक वुड नहीं है, वो ब्लैक कोबरा इतर आता है उससे बनता है, वो काला वुड टाइप का होता है वो। लेकिन हमने जो ये इसके लिए आपको हमें कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा ब्लैक वुड के लिए, क्योंकि इसकी ना असल में जो है ये कश्मीरी लोग जो होते हैं वो लगाते हैं, जो जानते हैं असल में, जो जानते हैं ना जहन मैन होते हैं दानिशन, वो लगाते हैं इसको ब्लैक वुड को, क्योंकि वो जानते हैं इसकी पावर, नेगेटिव पावर, एक्टिव पावर कैसी होती है। और असल में ये चारों कोने में भी काम आता है, जैसे ब्लैक मैजिक हो गया उसमें भी काम आता है, इसलिए इसको इसको हम ज़्यादा नहीं बेचते, इसको ज़्यादा इसको इसको ज़्यादा पब्लिश नहीं करते हम ब्लैक वुड को, क्योंकि इसकी बहुत पावर होती है, एक्टिव पावर बहुत होती है इसके अंदर, और ये बहुत चीज़ों में काम आता है, इसलिए हम ज़्यादा इसको इसको ज़्यादा नहीं करेंगे, इसकी बात हम करेंगे खाली ऊद की बात। ऊद की जो बात होती है, ऊद जो निकलता है पेड़ में से, जो हमने मैंने बताया आपको ऊद की जितनी ऊद, ऊद का क्या मतलब है, ऊद ये होता है कि जितना ये पुराना होते रहेगा ना ऊद, उतना ही महंगा होते रहेगा, उतनी इसकी हाई फाई क्वालिटी बढ़ती रहेंगी, हाई फाई इसके रेट बढ़ते रहेंगे, ऊद के जितना मीठा टाइप आता रहेगा, जितना स्वीट। लेकिन जो हमारे पास है लाइट स्वीट है, इतना स्वीट नहीं है लेकिन लाइट स्वीट है, हमने लाइट स्वीट रखा। आजकल किसी किसी को ये मतलब आ रहा है ज्यादा स्वीटनेस पसंद नहीं आती ज्यादा, इसलिए हमने ज्यादा स्वीटनेस नहीं निकाला, इसको ज्यादा हमने भाप नहीं दी, भाप से निकलते हैं इधर, और भाप की प्रोसेस होती है बहुत लंबी प्रोसेस होती है इसकी, जैसे मटकियों में डालना पड़ता है, बहुत सारी प्रोसेस होती है ये, जैसे कि एक महीने में होनी है एक बोतल इतनी सी, लेकिन इसका जो प्रोसेस बहुत लंबे टाइम से चलता हुआ है। और ये जो ऊद की इतनी सी बोतल निकली है तो इसका इसका ये है ओरिजिनल है, इतनी सी बोतल भी ये ओरिजिनल है, पूरी ओरिजिनल ही होगी, इसका कलर देख सकते हैं बिल्कुल ब्राउन होगा, असल ऊद की पेशानी है ब्राउन होता है, उसमें बुलबुले नहीं आते, जैसा आता है ना बुलबुले गैस सी जो आती है वो नहीं आएगी, पूरी ओरिजिनल टाइप की होगा। ये मीशो में भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, आप चाहे तो हमें तुमसे कोरियर भी करवा सकते हैं, कोरियर हमसे करवाएंगे तो अपना एड्रेस भेजिएगा व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे ही कॉलिंग करिएगा, और आपको ब्लैक वुड चाहिए होगा तो व्हाट्सएप पे आपको हमारी बात करनी पड़ेगी, ब्लैक वुड को हम ऐसे नहीं देते, क्योंकि मीशो पे मैंने जो डाल रखा है वो मीट और अमेजोन पे जो ब्लैक वुड डाल रखा है वो डुप्लीकेट है, वो ओरिजिनल नहीं होता, ओरिजिनल जो होता है हम खुद ही देते हैं ये, क्योंकि इसकी आपको मैंने बताया था इसके नुकसान भी और फायदे भी होते हैं, इसलिए हम ज़्यादा इसको इसको पब्लिश नहीं करते ब्लैक वुड को, क्योंकि महंगा बहुत है, सोने से भी ज़्यादा कीमत होती है इसकी ब्लैक वुड की, ये बहुत कमी से मिलता है। अल बुखारी ऊद से इसको बनाया जाता है, अल बुखारी ऊद ये होता है कि ऊस की लकड़ियों के एक फेमस इतर है, वो भी लकड़ियों से ही बनता है, वोडी टाइप के होते हैं वो भी ऊद, असल वोडी वोडी टाइप के जो इतर होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग बहुत हो जाते हैं, लॉन्ग लास्टिंग में जैसे कि आ रहा है बहुत सारे लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं, जो फूलों की जो खुशबू होती है वो इतनी नहीं टिक पाती, इसलिए आजकल लोग ये चाह रहे हैं हमें टिकने वाली खुशबू चाहिए, लेकिन ओरिजिनल भी चाहिए साथ में। आपको मैं एक बात बता दूँ, ओरिजिनल खुशबू इतनी ज़्यादा नहीं टिकती, ओरिजिनल खुशबू में अगर ये बात देखी जाए, हमने ओरिजिनल खुशबू ये देखी है, हमने ओरिजिनल खुशबू इतना ज़्यादा क्यों नहीं टिकती, तो हमने इसमें रिसर्च मारी तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे कुरान में फरमाया था, जब क्यामत की तो बहुत निशानियाँ दे रखी हैं, कि ये भी दी थी क्या निशानी क्यामत की, फूलों की खुशबू है और जितनी भी महके हैं वो सब थोड़ी थोड़ी कम हो जाएंगी जितनी भी हैं, तो ये हकीकत है, जो जानता है इतरों के बारे में वो आपको यही बताएगा, यही बात है कि खुशबू कम हो गई, इसलिए हम केमिकल मिलाते हैं इतरों में, केमिकल मिलाने से आजकल लोग आपने देखा होगा लोग आजकल चाहते हैं लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, बस इतर लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, इतर नहीं चाहिए उनको, लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, तो लोग अपने केमिकल मिला के दे देते हैं इतरों में, बहुत ज़्यादा केमिकल मिला के दे देते हैं, लेकिन जो हमारा फिर उनकी एक्टिवपन चला जाता है, इतरों का वो चला जाता है एक्टिव, इतर लगाएंगे तो एक्टिवपन नहीं आएगा उनमें, जैसे एक्टिव एक्टिविटी पावर आती है ना, नेगेटिव पावर दूर आती है वो नहीं आएगी, अब नेगेटिव पावर दूर नहीं होगी तो फायदा क्या है इतरों का, इतर तो यही होता है शुद्ध इतर होते हैं, जिससे जो दूसरी ताकत होती है दूर हो जाए हमसे, एक्टिव पावर आ जाए हमारे पास और नेगेटिव पावर दूर हो जाए, यही होती है इतरों की बात है। थैंक यू गाइस, ये थैंक यू।